हेलो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वह है कैपेसिटर्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। बट कैपेसिटर्स एंड डायरेक्ट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो सबसे पहले टॉपिक जो आज हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स समझने के लिए जो चीज आपको जाननी चाहिए वो कंसेप्ट ऑफ चार्ज जानना जरूरी है। ठीक है, तो इससे पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा एक और टर्म होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट यहाँ पर डिफरेंस जो होता आता है, पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, जबकि सबके चार्जेस कितने होंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, तो बात करते हैं। ठीक है, ये चार्ज हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, कुछ का मास वैरी कर रहा है, कुछ का मास कम है, कुछ का मास ज्यादा है। ठीक, लेकिन कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो टर्म हमारे लिए हो जाएगा इन दोनों में, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। ओके, ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स को अगर डिफाइन करना हो, यानी कहें आप कि कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, कैसे आप जान पाएंगे। कोई भी मटेरियल, दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो वो कंडक्टर, सिर्फ आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाय कंडक्टर, कंडक्टर है क्या चीज, कैसे आपको पता चलेगा भैया यही कंडक्टर है, कुछ और कंडक्टर नहीं है। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, पेन, तो ये कंडक्टर है कि नहीं है, कैसे आप जान पाएंगे। सिर्फ यही आपको दे दिया जाए, या फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास कुछ और है, ये पेन और ये सब वगैरह चीजें हो गई। ठीक है, तो ये कुछ पड़े हुए थे जो भी हैं। ठीक, तो कंडक्टर्स क्या है, तो देखो कंडक्टर्स वो चीजें हो जाएंगी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होने का मतलब कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, कुछ में अट्रैक्शन होगा, कुछ में रिपल्शन होगा। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ये दो चीजें हैं, मैंने इसको टच किया, ठीक है, क्या है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इसका चार्ज इसमें या इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कूलॉम्बिक फोर्स नहीं लग रहा है। बट मैंने क्या काम किया, ये पेन ले लिया, ठीक है, लैपटॉप का पेन है मेरे, और ये इसको मैंने टच किया, नाउ लुक। ठीक, तो क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कैसा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है ये इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें नहीं है उसमें है। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि आपको ये जानना जरूरी था कि कंडक्टर्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सके। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर ले गया तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, कंडक्टर कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप जब बात करेंगे, तो अब यहां पर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक कोई रॉड ले लिया, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर्स का सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सके दे आर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें फ्लो कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में फ्लो कर सकते हैं, कोई मेटल हो गया उसमें फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उसमें फ्लो कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में फ्लो कर सकते हैं। तो मेटल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मेटल में चलो फ्लो हो जाएगा, व्हाट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे फ्लो करता है, कि जब आपके अंदर कोई भी चार्ज है वो कैसे फ्लो करता है। तो एक्चुअली जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट होता है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि हम लोगों ने एक कोई मेटल ले लिया है, ठीक है, अब मेटल है तो मेटल जो मिलकर बनेगा बेटा वो किससे बनेगा, पॉजिटिव आयन्स हो सकते हैं, नेगेटिव आयन हो सकते हैं, बहुत सारे, और ये क्या हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक मेटल ले लिया
उस मेटल में मैंने कहा बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और बहुत सारे निगेटिव चार्जेस हैं। तो अब सबसे पहली चीज कि मैंने कहा था कि जो भी आपके लिए कंडक्टर होगा, कंडक्टर में क्या होना चाहिए, चार्ज फ्लो होना चाहिए। लेकिन अब कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि किस टाइप का चार्ज फ्लो होना चाहिए कंडक्टर में। ठीक, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर है तो वो चार्ज कैसे फ्लो करेगा। तो मैंने कहा दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं आपके, एक क्या हो सकता है निगेटिव चार्ज हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो कंडक्टर्स में पहली कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, दो टाइप के चार्जेस होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा निगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कंडक्टर का फिनोमिना इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं होगा, कंडक्टर का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो यानी कि इस मेटल के अंदर जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, कह सकते हैं इनकी वजह से कंडक्टर का फिनोमिना डिफाइन नहीं हो सकता है, ये कंडक्टर के लिए क्या है, यूजलेस है। तो जो कंडीशन हो रही है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज की वजह से। तो आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो कंडक्टर का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ किसके बिहाफ पर डिफाइन किया जा सकता है, निगेटिव चार्ज के बिहाफ पर डिफाइन किया जा सकता है। अब समझने वाली चीज है ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ निगेटिव चार्ज के बिहाफ पर डिफाइन किया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज के बिहाफ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी निगेटिव चार्ज होगा वो क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो ये क्या होगा, इट कैन मूव, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का जो कंसेप्ट मैं लेकर चल रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के लिए लेकर चल रहा हूं, पॉजिट्रॉन के लिए नहीं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजिशन चेंज कर सकता है, वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि जो प्रोटॉन है आपका वो मूव नहीं कर सकता है, इमोबाइल है। ठीक है, तो जो इमोबाइल हो गया वो क्या हो गया, स्टेडी स्टेट में रहेगा। तो इसमें जितने भी पॉजिटिव आयन्स हैं, जितने भी पॉजिटिव आयन्स हैं, ये क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट में रहेंगे। तो जब स्टेडी स्टेट में रहेंगे तो यहां पर कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी कि ये पोजीशन ही नहीं चेंज करेगा। तो जब पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो एक्सीलरेट नहीं हो सकता है, और जब एक्सीलरेट नहीं हो सकता है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो जब कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है तो ना अट्रैक्शन लग रहा है ना रिपल्शन लग रहा है, तो वो क्या रहेगा, अपनी ही पोजीशन पर रहेगा, यानी कि न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसका फिनोमिना अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर हमने कहा कंडक्टर्स जो है उसमें चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, और इसकी वजह से ही कंडक्टर का फिनोमिना डिफाइन किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या करेंगे, गुड कंडक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ठीक है, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए कोई एक एटम है उसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2000 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या 1000 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बट अब यहां पर जो अभी तक समझ में आया हम लोगों को कि भाई जो भी निगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो अब यह नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करना चाहेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसकी कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मान लो इधर ये आया, ये इधर आया, तो दोनों क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, हो सकता है ये इधर जाए, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
अल्टीमेटली वो क्या करने लगेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जब मूव करेंगे तो कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। कोलाइड कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में लड़के भी कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन से मिलकर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनका डायरेक्शन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो अब ये जब कोलाइड करके मूव करना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा मैं कह सकता हूं छोटा सा बना के कि भाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसे 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 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये आया यहां कोलाइड किया, ये ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज हो गया। ये आके हो सकता है, ये आके यहां जाके टकरा जाए, ये यहां जाके टकरा जाए, ये दोनों आपस में टकरा जाए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उनका कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये मूव करेंगे वो अपने साथ क्या मूव करेंगे, चार्जेस मूव करके ले जाएंगे। वो चार्जेस आप कहां पर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमको एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो भी कंडक्टर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टर का फिनोमिना डिफाइन होगा, और वो डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे, बट इसके बाद जो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या हो अगर ये कोई कंडक्टर रखा हुआ है और इस कंडक्टर के पास आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाके रख दे, ठीक है। तो अभी तक क्या था, सिर्फ कंडक्टर था। अभी इस कंडक्टर के पास मैंने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाके रख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने रखा, फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो देखो जैसे ही आपने फोर्स रखा या अप्लाई किया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई हो जाएगा। इस फोर्स और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को और इंक्रीज कर देगा। फोर्स को इंक्रीज करने का मतलब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से समझना हो तो क्या हो जाएगा, भाई फोर्स एफ था, इसकी वजह से एफ वन मान लेते हैं, इसकी वजह से एफ टू, तो क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू हो जाएगा, यानी कि एम वन तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज हो गया तो टोटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नियर एनी कंडक्टर, तो ये जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, ये जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि किसी भी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं इनका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्या फिनोमिना जो होगा सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो फिनोमिना होने वाला है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मैंने कहा कि मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप सब जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उसके बाद यहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एट, ठीक है। बट फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, चार है, ठीक है। यानी कार्बन का कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये चार इलेक्ट्रॉन्स क्या इस न्यूक्लियस से बाउंड है, बिल्कुल भी नहीं बाउंड है, ठीक है। यानी कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो यहां पर एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, नहीं तो टू एट और उसके बाद एट, बट यहां पर कितने हैं, टू तो हैं बट यहां पर फोर ही हैं। यानी ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। जब न्यूक्लियस के साथ बाउंड है सो दे कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। ये क्या करेंगे? पर्टिकुलरली इसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे वो क्या करेंगे? फ्री हो जाएंगे। फ्री कैसे हो सकते हैं? अब आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि भाई फ्री होने के लिए भी तो ऐसा तो नहीं है इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग लगेगी। तो ठीक है, ये अभी नेक्स्ट बताता हूं मैं। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि जो भी फिनोमिना होगा कंडक्टिविटी का वो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल्स है, अल्टीमेटली कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल्स या कोई और चीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा फ्री होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा फ्री होगा वही आपके लिए उतना ही ज्यादा गुड कंडक्टर्स हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर नहीं करता है, कई बार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मैटर करेगा। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, वो क्या कहलाएगा? आपके लिए गुड कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए जो गोल्ड होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कहलाएगा। अब यहां पर फर्दर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स हो गया, उसके बाद क्या होगा? इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में जो होगा, चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज विल नॉट फ्लो। तो इंसुलेटर में जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, तो चार्ज जब फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब ये हो गया उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस नहीं होंगे। उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर कोई भी कंडक्टिविटी का फिनोमिना नहीं होगा। तो जो भी चीज आप इंसुलेटर कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? फ्री ना हो। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें कंडक्टिविटी का फिनोमिना नहीं था, यानी आप कह सकते हैं अट्रैक्शन का फिनोमिना नहीं था। तो जब अट्रैक्शन नहीं था यानी कि ये न्यूट्रल पोजीशन में पड़ा हुआ था, तो न्यूट्रल पोजीशन में क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के पीछे एक और रीजन आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो भी इंसुलेटर होगा उसमें जो एटम्स होंगे वो टाइटली बॉन्ड होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो भी एटम्स होंगे, एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? टाइटली बॉन्ड होंगे। अब फिर से यहीं पर आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पर। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहां पर देखते हैं कि मान लेते हैं बेटा, ये जो फोर्सेस लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε₀Q1Q2r² नाउ लुक, सबसे पहला ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, ये आर वन हो गया, ये क्या हो गया? आर टू। डिस्टेंस देखा जाए बेटा, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, R2 is greater than R1, यानी कि जब डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया तो उसके स्क्वायर टाइम्स में डिस्टेंस यहां पर कूलॉम्स लॉ में इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब फोर्स यानी कि यहां से और यहां का फोर्स क्या हो गया? अब डिक्रीज हो गया। सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर लग रहा है? इसके बीच में फोर्स लग रहा है। तो जब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये एटम्स जो है टाइटली बॉन्ड है, ये इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मूव कर ही नहीं सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता, इसका मतलब चार्ज नहीं मूव कर सकता है। तो जब चार्ज मूव ही नहीं कर सकता है तो कंडक्टिविटी का फिनोमिना हो ही नहीं सकता है। तो कंडक्टर नहीं होगा तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। तो आपको चीज समझ में आ गई? जितना ज्यादा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वो सबसे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। जो भी न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे,
फ्री होंगे, ठीक है, और उसका जो कूलॉम्बिक फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट पर फोर्स ज्यादा होगा, फिर थर्ड, जो आप इनफाइनाइट पोजीशन पर चले जाएं या किसी बहुत लार्जर डिस्टेंस के लिए जैसे आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये अप्रॉक्सिमेटली क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये जब बेटा फोर्स नेग्लिजिबल हो गया तो यहां पर और जो यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन उनके बीच में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्री है, तो इफ फ्री हो गया वो तो क्या करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एनी वेयर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी इस सरफेस के बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल के, उस सब्सटेंस के अंदर ही क्या करेगा, मूव करेगा, अंटिल एंड अनलेस वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। आप भाई कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ब्रेक करके किसी और में चला जाए, ठीक है। अदरवाइज जो होगा, जब ये कहीं पर रखा होगा ऐसे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मूव करेगा, लेकिन यहां पर उसी मेटल के अंदर, उसी सब्सटेंस के अंदर या उसी मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं कि हमने कहा कि फ्री चार्ज क्या होता है, लेकिन फ्री चार्ज के अलावा एक और चीज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड चार्ज। ये जितने भी चीजें हैं ये क्या कहला रही हैं, बाउंड चार्ज कहला रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, मैं बताता हूं आपको फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। सो फ्री चार्ज तो आपको समझ में आ गया बहुत आराम से, फ्री चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप देख लीजिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो, जिस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल ना करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल नहीं करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बट कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फुलफिल कर भी रहा होगा बट उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आयंस आ जाएगा। वो पॉजिटिव आयंस ये डिनोट कर रहा है, तो पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, और पॉजिटिव आयंस जो है अपनी पोजीशन जब चेंज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, वो फिक्स्ड हो जाएंगे किसी एक पोजीशन पर, ठीक है। अब वो जो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं, अब यहां पर फिर से एक और चीज कि जितने भी बाउंड चार्जेस होंगे उनका एक सर्टेन पैटर्न होगा, ठीक है। तो जो भी बाउंड चार्जेस होंगे वो किसी भी रैंडम पोजीशन पर नहीं होंगे, वो लैटिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग किसी एक फिक्स्ड सर्टेन पोजीशन पर ही हो सकते हैं, ठीक। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए होंगे आई होप, और बाउंड चार्जेस समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ऐसा है, ठीक है, ये जो चार्जेस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो अभी डिस्कस किया, क्या ये चार्ज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटी चाहिए, कैसे आप मेजर करेंगे, ठीक है। तो फर्दर बात करते हैं हम लोग कि ये जो चार्ज है कितना चार्ज रह सकता है, कितना चार्ज नहीं रह सकता है, ये आप मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज जो भी नोट्स है आपको लिंक में मिल जाएगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है,
एबिलिटी को, किसकी एबिलिटी को, चार्ज कंडक्टर की एबिलिटी को मेजर करता है, यानी कि कितना ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इट मेजर्स द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है बेसिकली क्या करेगा, चार्ज कितना ज्यादा या कितना अमाउंट में चार्ज को होल्ड कर सकता है उसके फिनोमिना की बात करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में कि भाई आपने क्यों चार्ज दिया। ठीक है, अब ये एक कंडक्टर ले लेते हैं, फिर से हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को आपने क्या किया, क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, तो आपने जब इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया तो जैसे ही आपने कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि मैंने क्यू चार्ज किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, जैसे ही क्यू चार्ज मैंने प्रोवाइड किया, एट द सेम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। जाहिर सी बात है, आप जितना ज्यादा चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाया मैंने तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया, सी वी मिल गया, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, सी जो है कांस्टेंट है एंड नोन एज कैपेसिटेंस। सी जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है एंड नोन एज कैपेसिटेंस। लेकिन ये कैपेसिटेंस जो है किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करेगा, इसका जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा। तो कह सकते हैं कैपेसिटेंस ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप, और दूसरी चीज और, मान लो यहां के बजाय यहां पर एक कंडक्टर और लाकर हम रख दें, क्या करें, एक कंडक्टर और लाकर रख दें, तो इट इज ऑब्वियस डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो भी आपका कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर, शेप पर, और उसके सराउंडिंग्स में कोई और कंडक्टर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता है। तो कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सो कैपेसिटेंस जो है क्या डिफाइन करता है, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर को जब आपने क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपके लिए, कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब कैपेसिटेंस की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट जो होती है फैराड होती है, बट यहां पर अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम्ब हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो यूनिट उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कूलॉम्ब पर वोल्ट हो जाना चाहिए। बस इसको क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब पर वोल्ट हो जाएगा, दिस इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर रहा है। मान लीजिए आप क्यू अमाउंट का चार्ज दे रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, इंक्रीज जो है क्या हो जाए, कम इंक्रीज हो, तो क्यू अपॉन वी क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस ज्यादा मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस ज्यादा मिलने का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं अब नेक्स्ट चीज की कि भाई मान लेते हैं कैपेसिटेंस जो होगा वो किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अराउंड कितना होगा। ठीक, तो अभी तो यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने किसके फॉर्म में लिखा है, वी के फॉर्म में, बट यहां पर आप लिख सकते हैं आर के फॉर्म में भी, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक,
लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं। अब आइसोलेटेड कंडक्टर कौन सा हो जाए, स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं, तो एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है। मैंने कहा इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो, मैंने इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बताया इससे पहले वाले लेक्चर में, तो प्रॉपर्टी ऑफ, आप पहले उसको देख लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में होता क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे ही मैंने क्यू चार्ज दिया तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में जो भी चार्ज होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या आउटर सरफेस पे आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा पूरे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हुआ, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वैरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, कहां पर, आउटर सरफेस पर। ड्यू टू दैट ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर, एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहां पर, ये सब एट आउटर सरफेस। ओके, तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई जैसे मैंने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज पूरे आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां के लिए वी क्या हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डीवी अपॉन डी आर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने कहा अब उसके बाद जो भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस मैंने मान लिया ए हो गया। ठीक है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर का रेडियस कितना हो गया, यू हो गया, ए हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की, तो चार्ज कुछ ऐसे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, हर डायरेक्शन में। ओके, प्लस 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 प्लस, इसलिए मान रहा हूं क्योंकि बाहर का डायरेक्शन मैंने डिनोट किया है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइन एज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R या R स्क्वायर। अगर फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन द सेम वे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस दो चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इस चार्ज पर डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, डिस्टेंस क्या है, A है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि अगेन Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग। तो Q इज इक्वल टू हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, देयरफॉर C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो गया। तो Q की वैल्यू यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो पुट कर दें या तो V की वैल्यू पुट कर दें। देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन V की वैल्यू यहां से बेटा मैं पुट कर रहा हूं, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ठीक है, तो
तो मैं इसको मान लेता हूँ क्यू बाई वन हो जाए, तो ये यहां पर चला जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हेंस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी आपका चार्ज है कैपेसिटेंस उससे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द एरिया, ठीक है, या डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेडियस के है, ठीक। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस भी हो जाएगा। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज कॉन्स्टेंट, ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है, डिपेंड करेगा मीडियम पर, ठीक है, ये कौन सा मीडियम है। तो यहां पर जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेने का मतलब ये हो गया कि इस चार्ज को या स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोगों ने कहां पर रखा है, या तो एयर में रखा है या तो वैक्यूम में रखा हुआ है। सो दिस इज द केस ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अब जो हम बात करेंगे कि कैपेसिटर की बात क्या होती है, तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर